नमस्ते। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं जिन पर हम जब घटना घटती है तो दुख होता जरूर है, लेकिन उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कुछ संकट हमारे ऊपर आ सकते हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से, और सब कुछ है हमारे पास, विद्या है, बुद्धि है, कौशलता है, लेकिन फिर भी हमको अवकाश नहीं मिल रहे हैं जाके कुछ करने के लिए। अगर ऐसा कुछ दुविधा है या फिर संकट में हम पड़े हैं, तो कोई मार्ग है क्या? हाँ, मार्ग जरूर है। जहाँ पे संकट यानी कि समस्या शुरू होती है, अगर समस्या जहाँ पे कहीं पे भी शुरू होती हो, लेकिन हर समस्या को क्या होता है, एक समाधान जरूर रहता है। सो हर एक समस्या बोले तो प्रॉब्लम को सोल्यूशन जरूर रहता है। हम बोलते हैं ना, एक लॉक को एक की तो होता ही है, वैसी तरह एक समस्या है तो उसके लिए हमको खोलने के लिए एक की भी है, लेकिन उसके पीछे हमको पढ़ना है उस समस्या को कैसे समाधान कर सके। ऐसे कुछ समस्याओं में आर्थिक परिस्थिति का जो समस्या है वो बहुत गंभीर होता है, क्योंकि हमारा पूरा जो रोटी, कपड़ा, मकान, हमारा जीवन शैली पूर्ण रूप से उस आर्थिक परिस्थिति के ऊपर निर्भर होता है। तो ऐसे कुछ समय में हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास सब कुछ है, सब कुशलता है, लेकिन फिर भी जो स्किल्स बोलते हैं ना, वो सब है, लेकिन फिर भी हमें अवकाश नहीं मिल रहे हैं। तो इस समय पर अगर ऐसा कुछ सिचुएशन, कुछ संदर्भ आया, तो कैसे हम उसे बाहर निकल सकते हैं? हम समाधान तो बहुत है, वैसे क्या बोल सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, मंत्र जैसे पढ़ सकते हैं, या फिर जैसे बोलते हैं रोज हमारे मन में अच्छे विचार करना, सकारात्मक सोचना जो देना बोलते हैं अफर्मेशंस, वो सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी कुछ समय ऐसा होता है, सब कुछ करते हैं, फिर भी क्या होता है, उस समस्या से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? अगर हम में श्रद्धा भक्ति नहीं हो, या फिर संशय हो या डाउट हो कि या मुझे नहीं होगा, शायद उनको हो सकता है, अगर थोड़ी सी भी संशय आया तो वो सिद्धि नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक आधा मन रख के सब कुछ करते हैं। तो मन में क्या होता है, थॉट्स बोलते हैं उसको, आलोचनाएं जो आती है, दिन में बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे हजारों इस तरह के थॉट्स पैदा होते हैं, लेकिन क्या सब थॉट्स या जो हम आलोचनाएं करते हैं वो सब चाहिए या नहीं चाहिए, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है। सब थॉट्स को अगर हम फीलिंग डालेंगे, हमारे भावनाओं को अगर हम उस आलोचनाओं को डालेंगे, तब क्या होता है, वो इमोशंस के रूप में बदल जाएंगे। अगर आपने सकारात्मक भावनाएं उसमें डाले हो तो उसका जो रिजल्ट होता है वो भी सकारात्मक ही होगा। अगर हमने नकारात्मक रूप से उस आलोचना को, अगर हमने वो भावनाएं नकारात्मक डाले हो, तो उसका जो रिजल्ट आता है, जो प्रतिफल आता है, वो भी नकारात्मक ही आता है। तो हमारे मन में क्या होनी चाहिए, एक भक्ति और भाव होनी चाहिए, डिवोशन और शरणागत यानी कि सरेंडर, और आत्मशुद्धि, भाव शुद्धि, चित्त शुद्धि बोलते हैं, अगर ये तीनों है और अगर आप ये तीनों रखकर कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो सिद्धि जरूर होता है। तो ऐसा कुछ मंत्र है क्या जो हम पठन करके हमारी जो समृद्धि को हम ला सकते हैं जीवन में, और अवकाश जो है, हम अवकाशों को अपने ओर
अपने ओर खींच सकते हैं क्या, अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या। हाँ, ऐसा एक बहुत सुंदर, बहुत ही हम दैविक रूपी एक मंत्र है और वो बहुत सुलभ है, आप कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत उसको कौन दिए या फिर उसका एक हिस्ट्री होता है ना, एक इतिहास होता है, कौन दिए उसको, और जो व्यक्ति दिए वो भी एक संत, वो भी एक संत या महापुरुष ही हो सकते हैं। तो देखते हैं ये मंत्र का उगम कैसे हुआ। श्री रामानुजाचार्य जो एक बहुत ही बड़े व्यक्ति, बहुत ही बड़े संत हमारे भारत देश के, जो थे और अभी भी है, क्योंकि उनका जो शक्ति है पूरी तरह से फैल चुकी है। तो रामानुजाचार्य जी ने उनके गुरु के पास हमेशा ऐसे जाके पूछते थे, वो गुरु मंत्र बोलते हैं, वो दीक्षा के लिए इनिशिएशन जो बोलते हैं, वो गुप्त मंत्र, उसके लिए वो रोज जाके उनको पूछते थे, मुझे दीक्षा दीजिए बोल के। लेकिन आपको मालूम है हमारे गुरु परंपरा में उतनी आसानी से मंत्र नहीं मिलते थे। आजकल तो मिल रहे हैं, लेकिन तब नहीं मिलते थे। वो शिष्य को देखते थे, परखते थे वो कितना समर्थ है देने से पहले, हाउ मच ही डिजर्व्स, वो जानने के बाद ही वो मंत्र वो शिष्य को देते थे। तो बहुत दिन के बाद गुरु को भी क्या हुआ, शिष्य के ऊपर करुणा आई और उन्होंने ये मंत्र दीक्षा उनको दिया। तो क्या हुआ, शिष्य बहुत खुश होकर, श्री रामानुजाचार्य खुश होके श्रीरंगम तमिलनाडु में जो है वहाँ पे गए, फिर एक नगर प्रदेश या फिर एक विलेज जो बोलते हैं, एक गांव के तरफ गए जहाँ पे विष्णु भगवान का मंदिर था, तिरुकोट्टियूर नाम है उस स्थल का। वहाँ पे जाके पूरे जो लोग थे और शिष्य वृंद को पूरा एक उत्साह से उल्लास रूपित जाके पूरा घोषणा कर देते हैं, आओ आओ मैं आपको एक समृद्धि जो देती है वो मंत्र मैं अभी आपको दूंगा। तो सब लोगों को बहुत खुशी हुई और वो सब लोग आ पहुंचे उधर वो मंत्र लेने के लिए, उस दीक्षा के लिए। तो श्रीरंगम में उसके बाद जो उन्होंने दिया उस टेंपल में, वो देने के बाद गुरु को मालूम पड़ा कि शिष्य ने सबको ये मंत्र दे दिया। तो गुरु को क्या हुआ, गुस्सा आया और गुस्सा होके शिष्य को पूछे उन्होंने, क्यों तुमने ऐसा किया, मैंने तो सिर्फ तुमको दिया था, लेकिन क्यों तुमने सबको दे दिया, ऐसा नहीं करना था। अब तुम्हारा मोक्ष मार्ग उतना सरल नहीं है, अभी तो कठिन है बोल के वो बोले। तो तब श्री रामानुजाचार्य कितना सरल रूप से, कितना सुंदर रूप से बोलते हैं, अगर सबको इतना सारा जो इस मंत्र से समृद्धि मिल जाए और सबका भला हो तो उसी में हमारी भी भलाई है। अगर मुझे कुछ हो या ना हो फिर भी ठीक है, लेकिन जो बाहर शिष्य है और जो लोग है वो सब अगर कुशल मंगल से समृद्ध से रहे तो उतना मुझे काफ़ी है। तो इससे क्या होता है, वो गुरु का मन भी, वो अंतकरण जो बोलते हैं, वो पिघल जाता है पूर्ण रूप से, जैसे बर्फ पिघलती है ना, वैसे पिघल जाता है। कितने उच्च विचार जो बोलते हैं ना, सेल्फलेस, कुछ भी ऐसा स्वार्थ उसमें नहीं था। तो गुरु तो बहुत खुश हो गए और शिष्य तो खुश हुए ही थे। तो इस तरह से इस मंत्र का एक उगम हुआ। तो वो बीज मंत्र क्या है, वो एक मूल मंत्र बोलते हैं ना, क्या मंत्र है अभी मैं आपको बोलती हूँ, और इस मंत्र को कैसे पठन करना चाहिए और कितने दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब मैं अभी बोलती हूँ। ये मंत्र है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
मेरे एक योगा गुरु ने मुझे इस मंत्र को दिया था कुछ साल पहले, और मैंने पहले इसका जो है प्रैक्टिस किया दूसरों को देने से पहले। मैं पहले खुद के ऊपर प्रयोग करके देखती हूँ ये काम करता है, ये कैसे करता है और कैसे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन इसको प्रयोग जब करते हैं तो श्रद्धा भक्ति से करते हैं, एक पूर्ण रूप से उसके ऊपर हमको एक क्या बोलते हैं फेथ के बिलीफ सिस्टम कन्विक्शन, उसके ऊपर हमको भरोसा होनी चाहिए, इस रूप से करना है। जब मैंने ये मंत्र का पठन शुरू किया, फिर बाद में कुछ ही दिनों में मुझे बहुत सारे ऐसे अवकाश मेरे जीवन में आने लगे। पहले भी कुछ हद का मैं दूसरे तरह का प्रैक्टिसेस करती थी, लेकिन जब ये प्रैक्टिस में शुरू की तब मुझे कितने कितने बहुत सारे जो बोलते हैं ना विभिन्न रूप से फ्रॉम ऑल द डायमेंशंस मुझे सब तरह से अपॉर्चुनिटीज अवकाश आने लगे और समृद्धि बढ़ती गई। तब मैंने क्या किया, ये मंत्र को मेरे जो क्लाइंट्स आते थे और मेरे जो डिसाइपल्स मेरे शिष्य जो आते थे जो पूरे इस तरह के संकट में थे जहाँ पे उनके पास सब कुछ था, एक विद्या थी, बुद्धि थी, एक स्किल सेट्स थे, फिर भी वो अवकाश उनको नहीं मिलता था, या फिर आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से वैसे बोलते हैं ना कट ऑफ, वैसे कुछ भी नहीं, वैसे अगर एक महीना दो महीना भी टिक पाते तो पूर्ण रूप से उनको उतना कष्ट था। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे समय में मैंने मेरे अपने शिष्य को और क्लाइंट्स को जो आते हैं ना उनको मैंने दिया था। सब लोगों ने इसका जो है उपयोग इतना हुआ है, बोलते हैं ना चमत्कार मिरेकुलस रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट सबको आया है और आप भी ये कर सकते हैं। आपका एक पठन कैसे करते हैं बोल के मैं बोलती हूँ, 1008 times आपको इसको बोलना पड़ेगा, 1008 बार आपको ये मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा पूरे दिन में। अगर आप बैठ के एक साथ करेंगे तो आधा घंटे में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन करने के समय में आपको पूर्ण रूप से श्रद्धा भक्ति उसमें डालनी है, एक अचल विश्वास उसके ऊपर आपको होना है और अपने आप के ऊपर भी उसको एक एक तरह का विश्वास हमको रखना है। फिर पूरे दिन में आप दिन भर जो काम करते हैं, आप कुकिंग करते होंगे, आप कपड़े धोते होंगे या खाना खाते होंगे, या आपके ऑफिस को जाते होंगे, ट्रैवलिंग के समय जो बैठे हो, कौन सा भी समय हो, आप उसका पठन मन में कर सकते हैं। अगर आप जोर से करेंगे तो भी अच्छा है, इसको साउंड वाइब्रेशन बोलते हैं, उससे आपके पूर्ण रूप के आपके बॉडी में क्या होता है, आपके देह में एक तरह का संचलन होता है, इसका आपको अनुभूति भी हो जाएगी। तो 1008 times आपको करना है, 1008 बार एक दिन में करना है, 15, 20 या 21 days जो बोलते हैं हैबिट हो जाता है, आप सकारात्मक रूप से ये करने लगेंगे तो इसका एक अभ्यास हो जाएगा और पूर्ण रूप से आपको इसके लाभ भी मिलेंगे। और बाद में भी ये मंत्र पठन जारी रखिए, क्योंकि हमको पूरे इस जीवन में हमको अच्छा ही चाहिए, समृद्धि ही चाहिए, हमको अवकाश चाहिए, काम करने के लिए हम तैयार है, लेकिन हमको काम करना एक अवकाश भी मिलना चाहिए। हम तैयार है लेकिन हमको मिलना है ना, तो इसलिए अगर कुछ समय बाद कहीं पे कुछ तो एक ऑब्स्टिकल बोलते हैं एक तरह का जो फिर से कुछ संकट आ गया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आप इस मंत्र पठन को जारी रखिए, क्यों आपको आपके जीवन में समृद्धि चाहिए। तो मंत्र में क्यों इतना शक्ति होता है, क्योंकि जब मंत्र का किसी को अगोचर जो शक्ति के रूप से उनको सूचना मिलती है, इस मंत्र का उच्चारण होता है, उसमें एक तत्व रहता है, प्रिंसिपल बोल के बोलते हैं, उस तत्व में शक्ति होती है, विष्णु तत्व या नारायण जो तत्व है उस तत्व में सस्टेनेंस, ओके, सृष्टि स्थिति लया बोलते हैं, जो स्थिति
उस स्थिति में रहना है सस्टेनेंस के लिए ये मंत्र आप पठन जब करेंगे तो इससे आपको समृद्धि मिलेगी और जब कुछ संकष्ट है बाधाएं हैं और कुछ आपको अवकाश चाहिए तो आपको एक ब्रेक थ्रू रिजल्ट होते हैं एक तरह से मिराकुलस चमत्कारी रूप से आप उस संकट से बाहर आ सकते हैं और आपकी समृद्धि होगी जो वेल्थ एंड देन योर अबंडेंस और एंड अपॉर्चुनिटीज सब आपको मिल जाएंगे। तो कैसे सिद्धि होती है इसका, जो बहुत हजार साल से ये शक्ति जो उस मंत्र में है और कितने सारे लोग जो उसका पठन किए हैं उच्चार किए हैं वो शक्ति भी उस मंत्र में सम्मिलन होता है तो ये क्या होता है, अभी वो शक्ति ही पूरे विश्व शक्ति में मिलकर आपको अवकाश कहीं से भी लेके आ जाएगी, इसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। तो ये पूर्ण रूप से आपको होता है, इसका रिजल्ट भी मिलेंगे, आपको श्रद्धा भक्ति से इस मंत्र का पठन करना है। अब हम 11 बार इस मंत्र का उच्चार करते हैं और करते समय आंखों को बंद रखिए और जब काम करते हैं तो आपके मन में इसका उच्चार कीजिए और थोड़ा एक दो बार डीप ब्रीदिंग करके इस मंत्र का उच्चार कीजिए। उच्चार करते समय आप ज्ञान मुद्रा जो है वो डाल के भी आप इस मंत्र का पठन कर सकते हैं। तो आप अपनी आंखें बंद करके अभी इसका मंत्र का पठन करते हैं। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। बाद में धीरे से आप अपने आंखों को खोल सकते हैं लेकिन उससे पहले आपके जीवन में जो सब लोग आए हैं और ये पंचभूत बोलते हैं ना द फाइव एलिमेंट्स, उन सब को धन्यवाद दीजिए। हम अगर जीवित है तो उनसे है इसलिए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। उन सब को आप मन से अपने दिल से ऋण मनात्म शरीर चारों मिलनी चाहिए, अगर वो चारों एक हो गए तो संकल्प सिद्धि संपूर्ण रूप से हो जाएगी। तो गिव ग्रैटिट्यूड टू एवरी पर्सन हु हैज कम इन योर लाइफ एंड ऑल द फाइव एलिमेंट्स व्हिच इज देयर बिकॉज ऑफ व्हिच वी आर अलाइव। तो आप सबको भगवान ये शक्ति समृद्धि दे और जो समृद्धि आपको मिले तो उसको बांटे और इस तरह से क्या हो सकता है, निस्वार्थ रूप से आप जब देने लगेंगे ना तो वो बढ़ती है, वो घटती नहीं है। जितने भी लोगों को ऐसा संकष्ट है आप उनको ये बोल सकते हैं और उनको कैसा इसका जो पठन करना चाहिए इसका क्रम आप बता सकते हैं। और हाँ, आपकी देह शुद्धि बहुत जरूरी है, आपको स्नान करके ही इसका पठन करना पड़ेगा और मन की शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। तो मैं आप सबको पूर्ण रूप से इस मंत्र का फल आपको मिले और शुभकामनाएं है, इस मंत्र का पठन कीजिए और इसका जो है बेनिफिट है आप प्रतिफल पा सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।